Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will perform experiment by taking measurement of a circular object by taking with the help of micrometer. Now, पहले हम माइक्रोमीटर की जो डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दूँ. माइक्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो माइक्रोमीटर है वो नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल पर काम करता है. नाउ वी कम टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ अ माइक्रोमीटर. ये आप देख सकते हैं एक सी टाइप फ्रेम हमें दिया हुआ है, उस पर एक एनविल है और एक स्पिंडल है. जो एनविल है ये आपका स्टेशनरी पार्ट रहेगा, स्पिंडल जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा हॉरिजॉन्टली. यहाँ पर जो है आप किसी ऑब्जेक्ट के जो किसी की रीडिंग लेनी है आप इस फ्रेम के बीच में रख के किसी ऑब्जेक्ट की आप रीडिंग ले सकते हैं. कम टू पार्ट ऑफ रीडिंग पार्ट. यहाँ पर आपके पास दो स्केल्स से बने हुए हैं, एक स्लीव के ऊपर स्केल बना हुआ है डेट इज कॉल्ड स्लीव स्केल और मेन स्केल, और एक थिम्बल के ऊपर स्केल बना हुआ डेट विल बी कॉल्ड थिम्बल और सर्कुलर स्केल. यहाँ पर आपको एक रेजिस्टॉप दिया हुआ है. रेजिस्टॉप जो है थिम्बल को सर्कुलर एक रेवोल्यूशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं. जो भी हम मूवमेंट देंगे थिम्बल को वो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टॉप के साथ करेंगे. रेजिस्टॉप जो है एक तरह से आपका स्प्रिंग एक्शन के साथ चलेगा, जो आपको जब भी आप रीडिंग ले रहे होंगे किसी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी पे, जैसे स्पिंडल इसके साथ टच होगी और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो रैचेट एकदम से फ्री हो जाएगा और ये लॉक स्क्रू को हम टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो रीडिंग है वो फिक्स हो जाएगी और स्पिंडल जो आगे और पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकेगा, तो ये रीडिंग जो हमारे पास फिक्स हो जाएगी. तो इस चीज़ के लिए हम रेचेस्टॉप को करते हैं. रेचेस्टॉप का दूसरा फंक्शन ये है, अगर आपका जब ये टाइट हो जाए तो और ज़्यादा प्रेशर ना लगे ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी जो बॉडी है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम जब भी इसको थिम्बल को मूव करेंगे रेवोल्यूशन देंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ रेचेस्टॉप के साथ. यहाँ पर जो ग्रेजुएशन दी हुई है आपके ऊपर स्लीव के ऊपर जो ग्रेजुएशन दी हुई है वो हर एक ग्रेजुएशन जो है जो मेन स्लीव जो दी हुई है डेट विल बी ऑफ 0.5 mm की. हर एक ग्रेजुएशन जो है 0.5 mm की है और जो सर्कुलर स्केल है उस पर जो टोटल ग्रेजुएशन है वो 50 है. अब रीडिंग जो हमने लेनी है डेट की, यानी कि अगर जब ये 0 to 50 मूव करेगा सर्कुलर स्केल तो ये जो स्लीव के ऊपर जो रीडिंग आएगी वो विल बी ऑफ 1 ग्रेजुएशन. डैट मीन जब ये 0 to 50 पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा तो हमारे पास स्लीव पे जो रीडिंग आएगी वो 1 ग्रेजुएशन होगी, जो और 1 ग्रेजुएशन जो हमारे पास है वो 0.5 mm होगी. नाउ कम टू अवर पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, विच विल बी द पिच ऑफ माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. अब जो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो हमारे पास है फिक्स है वो 50 है. अब हमने ये बताया है वो पिच क्या है. पिच जो मैंने आपको पहले कहा है कि जब ये 0 to 50 एक रेवोल्यूशन लेगा तो कितनी ग्रेजुएशन हमारे पास यहाँ पर स्लीप पे होंगी, डेट विल बी ऑफ 1 ग्रेजुएशन. डेट मीन जब ये 0 to 50 एक पूरा रेवोल्यूशन करेगा तो हमारे पास 1 ग्रेजुएशन जो आएगी डेट विल बी द पिच ऑफ द माइक्रोमीटर. तो हमारे पास वैल्यू आगे 0.5 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल डेट विल बी ऑफ 50, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट 0.01. नाउ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रीडिंग फॉर माइक्रोमीटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर डेट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. मेन स्केल जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया डेट विल कम फ्रॉम द स्लीव रीडिंग. तो थिम्बल की स्केल रीडिंग है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आपके पास 0.5, यहाँ पर एक ग्रेजुएशन दी हुई 1, 2, 3, 4 हर एक ग्रेजुएशन जो है 0.5 mm के लिए. यहाँ पर आप सर्कुलर देखेंगे ये जो होगी आपके पास ग्रेजुएशन टोटल होगी 0 to 50. हर 5 ग्रेजुएशन के बाद हमने मार्किंग की हुई है 0 to 5. जो भी यहाँ पर जो ग्रेजुएशन सर्कुलर स्केल की ये सेंटर में जो कोइंसाइड करेगी वो भी हमारी ग्रेजुएशन जो है वो सर्कुलर स्केल की हो जाएगी. अब मेरे पास एक माइक्रोमीटर है, आप देख सकते हैं उसकी रेंज दी हुई है मेरे पास 0 to 25 mm. डैट मीन कि ये जो स्लीव की रीडिंग है वो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं हम 0 to 25 mm, और सर्कुलर स्केल मैंने आपको पहले ही बता दिया ये मेरे पास 50 तक होता है. ठीक है जी, ग्रेजुएशन जो है 50 तक है और यहाँ पर पहले से ही कैलकुलेट करके उन्होंने बताया हुआ है कि डेट द डिस्काउंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज द टूल इज 0.01 mm. नाउ अब मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मैं उसकी रीडिंग लेना चाहूँगा. पहले मैं लॉक स्क्रू को फ्री कर दूंगा ताकि ये फ्रीली आराम से ये मूव हो सके. अब इस ऑब्जेक्ट को मैं बीच में रखकर फ्रेम के बीच में रखकर इस रैचेट स्क्रू के साथ मूव करना शुरू करता हूँ. अब देखिए जैसे ये टाइट हुआ ये फ्री हो गया, यानी कि ये आगे की तरह, पहले देखिए ये आगे मूव कर रहा है,
जैसे ही स्पिंडल ने ऑब्जेक्ट के साथ टाइट हुआ, ये फ्री हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, लॉक स्क्रू को टाइट कर दूंगा यहाँ से, ताकि ये मेरा फिक्स हो जाए। अब मैं रीडिंग लेता हूँ, जो मेरे पास रीडिंग आ रही है एक मेन स्केल पे, जो एक स्लीप पे आ रही है, दैट विल बी ऑफ 12 आ रही है। अब जो ग्रेजुएशन मीन कर रही है वो आ रही है मेरे पास 38। लीस्ट काउंट मेरे पास पहले आ चुका हुआ है 0.01। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी ऑफ 12.38। This is the way to calculate the reading with the help of microcontroller. Okay, thank you.